फ्रेंड, वेलकम टू एक्स्ट्रा गेन। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैनन के जी सीरीज 2012 के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इस प्रिंटर की बिल्ड क्वालिटी क्या है, प्रिंट क्वालिटी क्या है, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, इस वीडियो में फुल्ली डिटेल बात करेंगे हम। साथ ही दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे इसकी पैकेजिंग तथा इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में तथा इसकी रिफिलिंग के बारे में और इसके साथ साथ इसके फीचर्स के बारे में। दोस्तों, आप इस प्रिंटर में किस तरह के पीवीसी कार्ड प्रिंट कर सकते हैं और उस पीवीसी कार्ड की कितनी एमएम माइक्रो होनी चाहिए, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल ही देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखेंगे दोस्तों, जिससे आपको इस प्रिंटर को लेना है या नहीं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया है, तो बॉक्स कंटेंट लगभग ठीक ही है। पैकेजिंग इसके ऊपर कोई कवर नहीं था दोस्तों, ये नॉर्मली इसी तरह से पैकेजिंग होके आया है, जो कि आप कैनन के बॉक्स को देख रहे हैं। दोस्तों, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, थर्माकोल से चारों तरफ से कवर्ड किया गया है। बॉक्स कंटेंट में आपको एक पावर केबल मिल जाता है, जो प्रिंटर के बैक साइड पर लगाया जाएगा। इसके साथ एक USB to USB केबल मिल जाता है, जो आपके PC के केबल और एक प्रिंटर के केबल पर लगता है, पोर्ट पर लगता है सॉरी। साथ ही साथ एक USB ड्राइवर मिल जाता है, जो आपके PC पर इंस्टॉल करना है प्रिंट आउट निकालने के लिए। इसके साथ दोस्तों कुछ मैनुअल मिल जाते हैं। दोस्तों, हिंदी बॉक्स कंटेंट की बात करूं, तो बॉक्स के साथ आपको मिलते हैं 3 कलर बॉटल, 2 ब्लैक बॉटल और साथ ही एक USB केबल, एक पावर केबल और कुछ मैनुअल मिल जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आगे देखते हैं। दोस्तों, प्रिंटर की प्रिंटिंग की बात करूं, तो इसमें आप प्लेन पेपर, ग्लॉसी पेपर, फोटो साइज पेपर, साथ ही PVC कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास शादी की कार्ड प्रिंट करना हो तो इसके साथ ये भी किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इस पर PVC कार्ड प्रिंट करते हैं तो कितने माइक्रोन तक का यूज़ कर सकते हैं, 400, 600 या 800, ये वीडियो के अंत में मैं पूरी डिटेलिंग दूंगा दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। साथ ही साथ इस वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, पूरी प्रोसीजर आप लाइन टू लाइन देखेंगे वीडियो के साथ। दोस्तों, प्रिंटर टाइप की बात करूं, तो ये इंक टैंक है, फंक्शनैलिटी ऑल इन प्रिंटर, प्रिंट स्कैन कॉपी आपको इसमें कैपेबिलिटी मिल जाती है, आउटपुट कलर एंड ब्लैक एंड वाइट मिल जाती है, USB डिस्प्ले मिल जाता है, कनेक्टिविटी USB मिल जाता है, डिस्प्ले LCD 1.2 इंच सेगमेंट के मेमो मिल जाते हैं। कैपेबिलिटी की बात करें तो विंडोज 10, 8, 7 SP तक के और मैक को सपोर्ट करती है। पेज पर मिनट की बात करें तो 8.8 इंच पर मिनट ब्लैक और 5 इंच पर मिनट कलर में लग जाता है। कॉस्ट पर पेज की बात करें तो 9 पैसे ब्लैक और 32 पैसे कलर लग जाते हैं। दोस्तों, आइडियल यूजर की बात करें तो होम एंड ऑफिस में आप इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। हैवी यूजेस में 300 पेजेस पर मंथ, पेजेस साइज सपोर्टेड A4 लेटर, लीगल A5, B5, डुप्लेक्स प्रिंटर, नो प्रिंटिंग। रेजोल्यूशन दोस्तों बात कर लेते हैं, 4800x1200 DPI की सपोर्ट करता है। दोस्तों, एक ब्लैक कार्ट्रिज है। दोस्तों, वाटेज की बात करें तो 11 वाट इसकी कंज्यूमिंग पावर है, और कर वेट की बात करें तो 5 kg 800 ग्राम इसकी वेट है। दोस्तों, एक कलर कार्ट्रिज है। दोस्तों, ब्लैक कलर है। साथ ही साथ आपको इसमें 3 कलर बॉटल मिल जाते हैं और 3। तो इस प्रिंटर की एडवांटेज की बात करूं तो ये काफ़ी लो प्राइस पर अच्छा परफॉर्म करती है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्रिंटर के बॉर्डरलेस प्रिंटिंग देती है और इंकजेट है तो काफ़ी फास्ट निकाल देती है बाकी प्रिंटर से। और इसके अलावा चलो आइए दोस्तों इसे प्लग इन करते हैं। दोस्तों,
दोस्तों इसके बैक साइड पे इसे प्लग इन करना होगा। पावर केबल की लेंथ काफ़ी अच्छी है बट यूएसबी केबल की लेंथ काफ़ी छोटी है। मुझे कंपनी से एक शिकायत रहेगी, कम से कम 1.5 मीटर दे देते यार, इतनी छोटी केबल कौन देता है, 1 मीटर से भी कम है। दोस्तों इसकी लेंथ जो यूएसबी केबल की होगी जो आपके प्रिंटर और पीसी के बीच होगा। तो दोस्तों इस तरह इसे आप अच्छे से पुश करके लगा लीजिएगा, लूज कनेक्शन बिल्कुल भी ना रखें, इससे प्रिंटर को हार्म पहुंचेगा काफ़ी। उसके बाद आप इसे प्लग सॉकेट पर लगा लीजिएगा दोस्तों अपने, दोस्तों ये पोर्ट जो है ये आपके कंप्यूटर के यूएसबी पर लगेगा, इसे भी आप अच्छे से लगा लीजिएगा, किसी भी तरह के लूज कनेक्शन ना रखें, इससे प्रिंटर को नुकसान होगा। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे जिससे आपको पूरी फुल डिटेल्स मिलेगी। दोस्तों कैपेबिलिटी इंक बोतल की बात करें तो इसमें 3 ब्लैक और 3 येलो सियान मैजेंडा की बोतल आपको मिलते हैं, जो आपको 6000 पेजेस ब्लैक एंड 7000 कलर आपको पर पेजेस मिल जाते हैं। 2 एक्स्ट्रा बोतल आपको ब्लैक के मिलते हैं दोस्तों, वारंटी 1 ईयर। कैनन का जो प्रिंटर है दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है यूएसबी, दोस्तों ये पार्ट को आपको पुश कर कर इस तरह ऊपर पुल आउट करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 कलर मिल जाएंगे और ये जो ब्लैक कार्ट्रिज ब्लैक कलर है इसको आपको यहाँ इनपुट करना होगा। तो दोस्तों हम कार्ट्रिज को इंस्टॉल करते हैं। कार्ट्रिज को काफ़ी ध्यान से पकड़िए दोस्तों, इसके जो इंटरनल पार्ट को आप अपने हाथों से ना टच करें। ऊपर वाले कवर को निकाल दीजिए, उसके बाद आप इसे इंस्टॉल कर दीजिए अपने कार्ट्रिज को। दोस्तों एक कलर्ड कार्ट्रिज है तो आप इसे कलर्ड वाले स्लॉट पर लगाएंगे। दोस्तों जो सी लिखा हुआ है उस पर आपको इसे इंस्टॉल करना होगा, इसके बाद अपन ब्लैक कार्ट्रिज को लगाएंगे। दोस्तों आप कार्ट्रिज को इंस्टॉल करते समय ध्यान रखिएगा कि आप इसके रैम जो ऊपर दोस्तों ऊपर वाला जो पार्ट है इंटरनल को इसे आप ना छुए, ना ही टच कीजिएगा, नहीं तो ये आपके कार्ट्रिज को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, एरर प्रिंटर एरर दिखाता रहेगा। दोस्तों कार्ट्रिज फिट लगाने के बाद इस तरह से आप इसे पुल करके लगा दीजिएगा, इसके बाद ऊपर के 2 बटन को आप पुश कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा कार्ट्रिज लग चुका है, इसके बाद हम इंक डालने का प्रोसीजर करते हैं। दोस्तों कार्ट्रिज हमारा इंस्टॉल हो चुका है, आइए अब इंक रिफिलिंग की पारी। दोस्तों इंक रिफिल करना काफ़ी ईजी है, सबसे पहले बोतल को ओपन कर लीजिए और अपने टैंक के जो इंक टैंक के बोतल के जो प्लग को है निकाल लीजिए, उसके बाद अपने बोतल को पलट दीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे आप उसे पुश करते रहिए जिससे आपका इंक आपके टैंक पर जाता रहे। दोस्तों रिफिलिंग करना काफ़ी इजी है इस प्रिंटर पर,
किसी भी तरह का आपको परेशानी नहीं होगी इससे रिफिलिंग करने में। केवल आपको बॉटल लेना है और आपके इंक के जो प्लग को है निकाल कर इसे पलटा देना होगा और धीरे धीरे पुश करते हुए आपके जो प्रिंटर का टैंक जो है फुल हो जाता है। तो दोस्तों बड़ी इजीली से आप हमारे कलर जो ब्लैक कलर है वो इंक टैग पर खाली हो चुका है। और खाली होने के बाद दोस्तों आप इसके प्लग को अच्छे से पुश करके लगा दीजिए जिससे आपके प्रिंटर के इंक टैंक से बाहर रिफिलिंग ना हो, किसी भी तरह से लीकेजिंग ना हो। दोस्तों इसका आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों ब्लैक के बाद हम कलर को रिफिल कर लेते हैं। सबसे पहले ये येलो कलर हम रिफिल करते हैं। दोस्तों सेम प्रोसेस है, बोतल को ओपन करके इंक टैंक के जो प्लग को है उसे निकाल कर इसे हमें पलट कर धीरे धीरे पुश करना है जिससे सारा बोतल का इंक आपके प्रिंटर के इंक टैंक पर चला जाए। दोस्तों इसमें आपको तीन कलर मिलते हैं, येलो, सियान, मैजेंडा। तो हम अभी येलो भर रहे हैं, इसके बाद मैजेंडा, फिर उसके बाद सियान भरेंगे। दोस्तों इंक टैंक भर चुका है, इसके बाद फिर अपन इसके प्लग को अच्छी तरह से लगा लेंगे। इस ध्यान रखें प्लग को अच्छी तरह से लगाएं जिससे इंक लीकेज ना हो आपके प्रिंटर पर। दोस्तों अब पारी है मजेंडा की। तो दोस्तों हम मजेंडा को भी वैसे ही करते हैं, प्लग को निकालेंगे, उसके बाद बोतल को पलटा देंगे, उसके बाद धीरे धीरे पुश करते हुए इंक टैंक पर बोतल को भर लेंगे। दोस्तों मजेंडा भी भर चुका है, इसके भी प्लग को हम अच्छे से पुश करके लगा लेंगे जिससे रिफिलिंग आपके प्रिंटर पर कहीं भी ना लीकेज हो। दोस्तों अब हम सियान को भी इसी तरह से अपने रिफिल टैंक पर रिफिलिंग कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपके किसी भी तरह की क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों तीनों ही कलर हमने रिफिलिंग कर चुका है। रिफिलिंग होने के बाद अपने प्लगों को चेक कर लीजिएगा जिससे थोड़े भी लीकेज ना हो। इसे अच्छे से पुश कर लीजिए तीनों प्लग्स को, उसके बाद कवर को कवर कर लीजिएगा। दोस्तों आइए दोस्तों अब हम अपने प्रिंटर को ऑन करके देखते हैं कि इसमें रिफिलिंग जो पाइप्स हैं उस पर रिफिल फ्लो हो रहा है या नहीं। सबसे पहले हम अपने प्रिंटर को ऑन कर लेते हैं। इस प्रिंटर की डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो कैबिनेट है ऊपर वाला जिसमें हम फोटोकॉपी के लिए पेपर डालकर ऊपर से जो कवर करते हैं उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हद तक गंदी है। तो दोस्तों ये जो डिसएडवांटेज है ये मुझे माननी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो रेड कलर की जो परेशानी है, जो रेड को ऑरेंज मिलाता है, वो एक डिसएडवांटेज है। दोस्तों कलर एरर दिखा रहा है, आइए देखते हैं
अपने पाइप पर ये कलर फ्लो हो रहा है या नहीं, तो किसी भी तरह की फ्लोइंग नहीं दिख रही है मुझे। पाइप बिल्कुल ही वाइट है, कोई कलर फ्लो नहीं हो रहा है पाइप पर। दोस्तों इंक एरर अब भी दिखा रहा है। दोस्तों अगर आपके भी प्रिंटर पर इसी तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर आपको रिप्लाई पर दूंगा। तो सब पाइप पर किसी भी तरह के कलर फ्लो नहीं हुआ है, फिर भी मैं एक प्रिंट यानी कि जेरोक्स लेकर देखता हूँ। तो आपको क्या लगता है, बिना इंक के ये प्रिंट होगा जेरोक्स? तो दोस्तों ये कैसे होगा, जब इंक ही नहीं है तो प्रिंट कैसे होगा, आप ही सोचिएगा। तो दोस्तों अब देखिएगा कि इन पाइपों पर किस तरह से फ्लो हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, इंक जो है पाइपों पर फ्लो होना शुरू हो चुका है। दोस्तों आपको भी यही करना है कि आपको कॉपी का बटन दबाना है एक बार, जिससे आपके कलर जो है आपके पाइपों पर फ्लो होना शुरू हो सके। बड़ा ही इजी प्रोसेस है। आपको जेरोक्स के बटन को एक बार क्लिक करना है, जिससे आपके इंक जो है आपके पाइपों पर फ्लो हो सके। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि एक पाइप पर अभी भी ठीक तरह से अपने इंक जो है फ्लो नहीं हो रहा है, वो ब्लैक कलर है दोस्तों, जो आप अभी भी पाइप पर फ्लो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपको इसके सोल्यूशन के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि ब्लैक जो वो कलर है ये पाइप पर क्यों फ्लो नहीं हो रहा है और इसे सॉल्व कैसे करें। दोस्तों प्रिंट जो मैंने दिया था कलर प्रिंट, वो इस तरह से निकल रहा है क्योंकि ये काफ़ी फीका निकला है। देखिए क्योंकि ये बहुत फीका है, क्योंकि ब्लैक कलर जो है पाइप पर पूरी तरह से फ्लो नहीं हुआ है। ये देखिए अभी भी वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो पाइप में पूरी तरह से नहीं गया है, थोड़ा जाकर रुक गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ब्लैक जो है वो कलर पाइप में पूरी तरह से फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये जो सोल्यूशन है मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको किस तरह से इसे पाइप पर पूरी तरह से फ्लो करना होगा, वरना आपका प्रिंट जो है प्रॉपर नहीं आएगा। और आप दोस्तों वीडियो के साथ पूरी तरह से बने रहिए ताकि आप पूरी प्रोसीजर सीख सकें और आप इस प्रिंटर को ख़रीदना है या नहीं इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर कुछ भी तरह के आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
दोस्तों, ब्लैक कलर जो है अभी भी पाइप पर फ्लो नहीं हुआ है, इस वजह से प्रिंटिंग क्वालिटी जो है काफ़ी ख़राब आ रही है। कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। बाकी तीन कलर जो है येलो, सियान, मजेंडा, वो अपने कार्टेज में पूरी तरह से चले गई है। बाकी एक जो है ब्लैक कलर, वो अपने कार्टेज पर अभी भी फ्लो नहीं हो रहा है। ये वहां तक घुसेगा तब तो अच्छा से। दोस्तों, ब्लैक कलर जो है वो अपने पाइप पर फ्लो नहीं हो रहा है, बट तीनों कलर जो है अपने कार्ट्रिज पर चले गए, येलो, सियान, मेजेंडा। तो दोस्तों, मैं एक कलर जेरोक्स देकर देखता हूँ जिससे कलर प्रिंटर की जो है कैसी क्वालिटी आती है। दोस्तों, मैंने कलर जेरोक्स दे दिया है, देखते हैं कलर जेरोक्स किस तरह से क्वालिटी अच्छी आती है या बेकार क्वालिटी आती है। दोस्तों, इस प्रिंटर की यही खासियत है कि यह इसके बॉक्स यानी कि कवर को ओपन करने से प्रिंटिंग जो है रुक जाती है। इसे आप पूरी तरह से कवर रखेंगे तो ही प्रिंट हो पाती है। इसे आप देख नहीं सकते, आपको कवर क्लोज रखना होगा, तभी ये प्रिंट आपको प्रिंटिंग देगी। दोस्तों, कलर प्रिंट आप देख सकते हैं, लाइट आ रही है अभी काफ़ी, उतनी अच्छी नहीं है। बट क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक इसके कलर जो है इसके कार्ट्रिज पर अच्छी तरह से नहीं है। दोस्तों, ये फर्स्ट प्रिंट आउट है, तो इसीलिए मुझे लगता है ये अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जब मैं एक दो प्रिंटर और निकाल दे और दो तीन चार जेरोक्स और निकालूं, तो मुझे इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी की अच्छे से परफॉर्मेंस पता चल पाएगी। बट ठीक ठाक है, अभी फर्स्ट प्रिंट मैंने दिया है, फिर भी इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है। वैसे अभी कार्ट्रिज पर उतनी अच्छी तरह से इंक नहीं गई है, तो मैं जब सेकंड या थर्ड प्रिंट आउट निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा। दोस्तों, प्रिंट आउट निकालने के लिए सबसे पहले अपने डीवीडी ड्राइवर को अपने पीसी पर इंस्टॉल करना होगा, तो आइए इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, सेटअप पर जाइए और स्टार्ट दबाइए। चार प्रोसीजर के बाद दोस्तों, ये आपके ड्राइवर जो है आपके पीसी पर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है दोस्तों। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, टर्म एंड कंडीशन पर ओके एंड नेक्स्ट। दोस्तों, नेक्स्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप अपने प्लग को जो है अपने प्रिंटर पर लगा लीजिएगा, जो यूएसबी और आपके पीसी और प्रिंटर के यूएसबी पर कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर शुरू हो चुका है। दोस्तों, इंस्टॉल होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो हम वेट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम एक आध पीस कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल के देखेंगे कि इसकी प्रिंट क्वालिटी किस तरह से आती है, काफ़ी लाइट है या डार्क है या मीडियम है या ओरिजिनल टाइप से आती है, यह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, इंस्टॉल हो चुका है, थर्ड प्रोसीजर पूरा हो चुका है। एक टेस्ट पेपर देख लेते हैं, A4 साइज ओके। दोस्तों, टेस्ट प्रिंटिंग की बात कर रहा है तो हम हाँ एक प्रिंट देकर देख लेते हैं, ओके ओके।
दोस्तों इंस्टॉल कम्प्लीटली हो चुका है, तो एग्ज़िट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अपने सीडी ड्राइव को एग्ज़िट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो शॉर्टकट जो है इस तरह से क्विक रिस्पॉन्स आपको मिल जाते हैं, जिसे आप इंस्टेंटली आप प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद मेन्यू पर जाकर आप इसके कुछ मेन्यू देख सकते हैं, जैसे कि कार्ड प्रिंटिंग, बर्थडे प्रिंटिंग, या फिर कैनन के किसी भी तरह के टेम्पलेट्स आप देख सकते हैं। दोस्तों ये बर्थडे वाले टेम्पलेट्स हैं, इसमें काफ़ी सारे आपको टेम्पलेट्स एंड कार्ड के प्रिंटिंग के जो फॉर्मेट हैं वो आपको मिल जाते हैं, फोटो लेआउट। दोस्तों डिज़ाइन पैम्पलेट भी मिल जाते हैं आपको, फोटो प्रिंट आप इस पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी बना सकते हैं, इसके भी पैम्पलेट आपको मिलते हैं। फ़ोटो साइज क्या रहनी चाहिए, कितने फ़ोटो आप एक पेज पर निकाल सकते हैं, 4, 6, 12, 20 जो भी है। दोस्तों प्रिंट फंक्शन एंड स्कैनिंग फंक्शन, और इसके अलावा आपको ऑनलाइन से संबंधित काफ़ी सारे सुविधा मिल जाता है। तो दोस्तों आइए हम एक प्रिंट निकाल कर देखते हैं, जो कि मैंने एमएस ऑफिस पर टाइप कर रखा है। दोस्तों इसकी कलर जो है ग्रीन कलर की है, तो प्रिंट क्वालिटी कैसी है ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप इसे पेज सेटअप पर पेज A4 कर लीजिएगा, उसके बाद प्रिंट पर प्रिंट ओके दबा दीजिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रिंट हो रहा है, हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी सक्सेसफुल रहा, किसी भी तरह के एरर हमें नज़र नहीं आया। अगर आपके साथ इंस्टॉल करने के बाद अगर आपका प्रिंटर आपके पीसी को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सोल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों कलर काफ़ी अच्छा निकला है, जैसे हमने वहाँ प्रिंट एमएस वर्ड पर टाइप किया था ग्रीन कलर पर, प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ग्रीन कलर। दोस्तों कुछ आप मैंने इससे पहले एक प्रिंट और निकाला था जो कि रेड कलर पर था। ये इस प्रिंटर के जो डिसएडवांटेज है दोस्तों, ये पूरी तरह से कलर जो है अच्छी निकालता है, बट डिसएडवांटेज एक और है जो है रेड कलर के साथ, ये आप देख सकते हैं। इसके जो बॉर्डर है दोस्तों आप देख सकते हैं, ओरिजिनल वाले जो राइट साइड है वो ओरिजिनल बैकग्राउंड बॉर्डर जो है आप देख सकते हैं रेड है पूरी तरह से, और जेरॉक्स वाला जो लेफ्ट साइड है दोस्तों उसमें आपको ऑरेंज टाइप से बॉर्डर दिख रहा होगा। तो मैं इसकी एक डिसएडवांटेज मानता हूँ इस कलर प्रिंटर की, जो रेड को रेड ना निकाल कर येलो ऑरेंज टाइप से निकाल रहा है। ये ओरिजिनल है और ये जेरोक्स है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो बॉर्डर है ये रेड और ये ऑरेंज टाइप से। दोस्तों मैंने 2-3 प्रिंट और निकाला था जो कि रेड के साथ यही प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ जो पाइपर फ्लो नहीं हो रहा था वो क्यों नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले आपको सेटिंग पर क्लिक करना होगा, उसके बाद प्लस पर आपको 10 तक क्लिक करना होगा, उसके बाद ब्लैक वाले को ओके एक बार क्लिक करना होगा। कुछ ही समय लगेगा दोस्तों रिफिलिंग प्रोसीजर में, उसके बाद आपको यह पूरी तरह से आपके पाइप पर फिल हो जाएगा। दोस्तों thank you.